हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो अभी देखिए, अपना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हो गई खत्म। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स। अब जितने भी आपके सिलेबस में डायग्राम होंगे, उसके मैं इम्पॉर्टेंट डायग्राम की आपके लिस्ट सामने दे रहा हूँ। इसको आप याद ड्रॉ करके अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए आप, ठीक है? तो देखिए ज़रा इधर में, तो पहला जो डायग्राम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से वो ओके। देखिए इसमें मैंने कंडक्टिविटी सेल का डायग्राम आपको तैयार लर्न कर लेना है अच्छे से, कंडक्टिविटी सेल का ये पूरा। तो उसको अच्छा लेबल करना है, लेबलिंग हमेशा ना राइट साइड ले जाना है, हमेशा पूरा डायग्राम ड्रॉ करके राइट साइड लेबलिंग कर लेना और पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ करना है पूरा। ये हो गया कंडक्टिविटी सेल, फिर डैनियल सेल का कर लेना ओके। देखो डायग्राम को लर्न कर लें पूरे, उसके बाद फिर आपको हाइड्रो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आपको ये करना है डायग्राम रेडी, देख लीजिए ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना आपको यहाँ पर है ना, देखो इधर इधर इसमें मैंने वायर नहीं प्रिंट हुआ, ये ऐसा वायर बना लेना है, वायर नहीं बना, प्लेटिनम वायर ऐसा बना लेना। ये हो गया आपका डायग्राम्स का पूरा ओके। अब नेक्स्ट देख लीजिए, केमिकल काइनेटिक्स से आपको करना है ग्राफ्स तैयार करना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का करना है। ये देखो ये मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेज टाइम है, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन वर्सेज टाइम, ये आपका स्ट्रेट डायग्राम बनेगा। हाँ, वो बॉक्स बॉक्स नहीं बना, मत बनाइए, स्ट्रेट ऐसा कर्व बना दीजिए बस, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें देखिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पर देख लीजिए रेट वर्सेस क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी टाइम में आपको प्लॉट करना है वर्सेस आपका ये क्या कहते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो आपका ये आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो पीछे का वो बॉक्स वॉक्स नहीं बनाना, कोई बात नहीं, वो आप पे डिपेंड है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है, यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑर्डर का ही देख लीजिए। तो यहाँ पर लॉग कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट अपॉन क्या है कॉन्सेंट्रेशन ए टी अब वर्सेस क्या टाइम, ये आपको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। तो उसका क्या आता है वो एक लाइन में मैंने लिख दिया है इसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर है ग्राफ ऑफ क्या लेना है, लॉग आपको लेना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ए टी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, इसमें भी सबको स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ठीक है ना। फिर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो, जीरो ऑर्डर का बना लेना है कि ए टी वर्सेस टाइम। उसके बाद आपको ये इतना है ना केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ से पूरे और वहाँ के वो डायग्राम, बाकी आपके कहीं भी उतने डायग्राम नहीं है। तो इतने आपको डायग्राम ड्रॉ करके देख लेने का आपको काम हो जाएगा। और अभी आप लोग क्या करो, थोड़ा तो अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम नज़दीक आ रहा है, जितना मेरे से हो सकता है मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा मैं, ठीक है ना। ठीक है, तो आप इतना पढ़ लीजिए और इतना कर लिया आपका डायग्राम का काम हो गया। अब नेक्स्ट में मैं अभी क्या करूँगा, इम्पॉर्टेंट लॉस का बना दूंगा, ठीक है ना। चलो तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए अपने मित्रों के साथ। ओके बेटा, चलिए बाय।